मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों के सेवा जमात करने वाले स्टोमा केयर ओटी माउथ पैंट के बारे में। इस माउथ पैंट के क्या फायदे क्या नुकसान है स्टोमा पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ओरल कंडीशन, ओरल थर्श, मुंह में छोटे छोटे जख्म हो जाना या छाले हो जाना, उसमें भी डॉक्टर आप इसको देने की सलाह दे सकता है। या फिर मुंह में जलन होना, उसमें भी आप इसको ले सकते हो। या फिर कुछ गलत खाने पर या गरम गरम खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं, उसमें भी आप इसको ले सकते हो। या खाने के वक्त काउसी बाई ए फंगस माउथ एंटी फंगल इन्फेक्शन हो जाना, इसमें भी आप इसको ले सकते हो। या जीभ के छाले हो जाना, यानी आपने देखा होगा कई बार गर्म चीज खाने पर या किसी और कारण आपके जीभ पर छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, उसमें भी आप इसको ले सकते हो। या मुंह में छाले हो जाना, उसमें भी आप इसको ले सकते हो। या फिर होंठ के अंदर ले सतर के हिस्से में, या फिर होंठ के अंदरले हिस्से में छोटे छोटे छाले हो जाना, उसमें भी आप इसको ले सकते हो। या फिर दोस्तों कोई भी माउथ इन्फेक्शन जो कि छालों से रिलेटेड हो, उसमें भी आप इसको ले सकते हो। या फिर दोस्तों माउथ इन्फेक्शन यानी कि जो कि मुंह के अंदर जो भी कोई भी इन्फेक्शन हो, यानी कि छोटे छोटे छाले जैसा कोई भी इन्फेक्शन हो, उसमें डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयाँ देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी की संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप तो दोस्तों स्टोमा केयर ओटी माउथ पैंट की इंफॉर्मेशन फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।